उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कोविड टेस्टिंग करने वाला राज्य है। अब तक यहां 6,45,02,956 सैंपल की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 2,25,009 कोविड सैंपल की जांच की गई और 36 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 73 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश के किसी जिले में दोहरे अंक में नए केस की पुष्टि नहीं हुई है। 54 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं आया, जबकि 21 जिलों में इकाई अंक में मरीज मिले। प्रदेश के 11 जिलों में आज कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। अलीगढ़, बदायूं, बस्ती, बहराइच, एटा, फतेहपुर, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महोबा और शास्त्री में अब कोविड का एक भी मरीज नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.01% है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोरोना केस की संख्या 798 रह गई। ऐसी स्थिति में संक्रमण के शुरुआती दिनों में थी। 798 में से भी कुल 508 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट नीति से कोरोना पर हुए प्रभावी नियंत्रण को बनाए रखने में जन सहयोग बहुत आवश्यक है। जरूरी है कि संयम और जागरूकता का क्रम निरंतर बना रहे। बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोविड काल में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य सहयोगी स्टाफ ने सेवा कार्य का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसकी जमकर सराहना की जानी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर मरीज को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।